शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, नमस्कार, कैसे आप लोग? अब आए ना जोश? नमस्कार, 18 तारीख, 3 नंबर बटन, शंख, नवोदा जिंदाबाद, सुनील शेट्टी जिंदाबाद, नहीं नवोदा जिंदाबाद, जिनके लिए मैं आए हैं। दादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे से 3 महीने बड़े हैं। 1961 की उनकी पैदाइश है, मैं 15 अगस्त 11 को मेरी पैदाइश है, तो मैं इनसे छोटा हूँ इसलिए दादा बोल दिया मैंने, ताकि मुझे भी लगे कि मैं यंग हूँ, जवान हूँ। अभी ऐसे लग रहा है पूरी फैमिली है ना, सिर्फ लोगों की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि विशाल से भी जब मैं बात कर रहा था, मैं बोला विशाल आपको भी इंटरेस्ट है कि नहीं पॉलिटिक्स में, बोले नहीं दादा लेकिन मैं काम करते रहता हूँ। और अभी यहाँ देखा तो पहले स्पीच पिताजी के पहले उसने ही दे दी, हाँ, और हम लोगों को और नर्वस कर दिया। कृष्ण आचार्य जी भी यहाँ है हमारे साथ, वो भी लड़ रहे हैं एमपी के लिए, राज्यसभा के मेंबर्स है ही, तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आज आए हुए हैं आपको, आपकी देखभाल करने के लिए, ये देखने के लिए कि आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। महिमा जी आई, वो तो उन्होंने तो मेरे नाम पे स्कूल भी खोल दिया यहाँ पर। और हमने कहा था पिछली बार कि इस बार अगर एयरपोर्ट भी बन गया तो हम जरूर आएंगे झारसुगड़ा, और बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले खुला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे बॉलीवुड एक्टर्स और यहाँ पे आएंगे, और सुनील जी तो अपनी अगली फिल्म यहाँ पे शूट करने वाले हैं। कितने सारे हीरो तो यहीं पे है, देखो सलमान खान उधर खड़े हैं, उधर देखो रणवीर सिंह भी है, रणवीर कपूर। तो 18 तारीख को हम इतनी दूर से यही कहने आए हैं कि जरूर यहाँ पे जीत होने वाली है, लेकिन इस बार जोरों से होनी चाहिए, प्रसन्न जी को भी जिताइएगा। और तीसरा नंबर बटन जिता के फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। इस साल मोबाइल सभी लोगों को अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए, वोट करना बहुत जरूरी है, उससे उसके अलावा कोई मायने नहीं रखता। आप जिसमें भी बिलीव करते हो, जिसको भी आप मानते हो, आपको लगता है कि वो अच्छा काम करे, वोट जरूर करना, अपना वोट जाया मत होने।